नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिवराज पाटिल, फाउंडर एंड सीईओ arrowwallet.com। दोस्तों, क्वाइन बॉक्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपके क्वाइन बॉक्स में क्वाइन अटकता है, क्वाइन एक्सेप्टर में क्वाइन अटकता है, और जब कोई कस्टमर उसमें क्वाइन इंसर्ट करते हो तो मशीन आपका क्वाइन एक्सेप्ट नहीं करता, बार बार क्वाइन रिजेक्ट करता है। तो उस केस में हमें क्वाइन एक्सेप्टर खोलना पड़ता है, क्वाइन एक्सेप्टर में जो क्वाइन अटका है उसको निकालना पड़ता है और अपना क्वाइन एक्सेप्टर फ्री करना पड़ता है। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे क्वाइन एक्सेप्टर को कैसे खोलेंगे और अपने क्वाइन एक्सेप्टर में जो अटका हुआ क्वाइन है उसको कैसे निकालना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक स्क्रू है यहाँ पे, ऊपर एक स्क्रू है और इस साइड पे एक स्क्रू है अंदर वाला। तो ये तीनों स्क्रू हमें निकालने हैं। तो ये क्वाइन एक्सेप्टर बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए उसके ये लॉक होते हैं, एक है, दो, तीन, चार, पांच। तो ये पांच लॉक है, तो इसको हमें खोलना है। ये यहाँ से ओपन होता है, जब आप लॉक खोलोगे तो ये लूज हो जाता है और यहाँ पे अपना कॉइन अटक गया होगा, वो निकालने हैं। तो आप ये ऐसा करके भी आप कॉइन जो अटक गए हो वो निकाल सकते हो, और जो इसके अंदर का है उसके लिए ये लॉक ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एक पिन है, तो रेड वाली वायर ऊपर होती है, ब्लैक वाली ऊपर होती है, नीचे होती है, उसको निकालना है। निकल के चेक करना है। तो यहाँ पे आपका कॉइन जम गया होगा। तो ये स्प्रिंग और उसका मैग्नेट है, तो जैसा था वैसे उसको वापस रखना है। ये इसके अंदर डाला, फिट किया। और ये अपना कॉइन एक्सेप्टर रेडी हो गया। और ये जो वायर है वो ब्लैक रेड वाली ऊपर और ब्लैक वाली नीचे। तो एक, दो और तीसरा यहाँ पे। तो ये जो स्क्रू ड्राइवर हो जो है वो मैग्नेट वाला ही यूज़ करना, मतलब वो क्या होता है स्क्रूज को चिपक के रखता है और अपना कॉइन एक्सेप्टर बहुत ही ईजी तरह से बैठता है। तो जैसे ही मैंने इसको स्क्रू लगाया तो ये मैग्नेट है तो बैठ गए यहाँ पे। ये दो स्क्रू पे भी बैठता है लेकिन हमें तीसरा स्क्रू भी लगाना चाहिए। तो एक, दो और तीन, तीनों हो गए। और यहाँ पे भी ये रेड वाली वायर ऊपर होती है, ब्लैक वाली नीचे होती है, तो जैसे थी वैसे उसको लगाना है। ये रेड वाली वायर ऊपर होती है, व्हाइट वाली बीच में और ब्लैक वाली नीचे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर इसके बारे में आपके कुछ भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज शिवराज पाटिल साइनिंग ऑफ।